अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुख्तार सोन और आप देख रहे हैं TR टेक्नो कूल। दोस्तों आज ये एक कूलर आया है मेरे पास, इसकी इसमें कंप्लेन है कि इसमें कूलिंग नहीं होती है। तो इसको मैंने चेक किया है, यहां से खोल के चेक किया है इसको। ये कंडेंसर है इसका पीछे, इसको नट वगैरह मैंने खोले हैं, इसको चलाकर भी चेक किया है। अभी मैंने इसकी डेडलाइन पर पंच की हुई जो है वो तोड़ी है, लेकिन इसमें से गैस खारिज नहीं हुई, क्योंकि ये यहाँ पे चौक है, इसका फ़िल्टर चौक है, कैपलरी के पास से फिल्टर का चौक है, क्योंकि यहाँ पे आइस आ रही थी और ये पाइप बहुत ठंडा था, कैपलरी पाइप। तो अब इसको क्या करना होगा, हम इसे काटेंगे, कैपलरी अलग करेंगे, फ़िल्टर को निकालेंगे, इसको सिस्टम को फ्लैश करेंगे, फ्लैशिंग करने के बाद यहाँ चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे, कंप्रेसर ये बिल्कुल सही है इसका, इंशाल्लाह दोबारा इसको वैक्यूम करके रिचार्ज करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको नया फ़िल्टर लगा दिया है, इसको अच्छी तरह फ्लैशिंग किया है और नया फ़िल्टर लगा के अभी हमने इसको वैक्यूम पे लगाया है। इंशाल्लाह इसका वैक्यूम होने के बाद हम इसको ये पैक करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। तो जी दोस्तों, इसका वैक्यूम होने के बाद हमने इसमें प्रेशर डाल दिया था और इसको चार्जिंग पर लगा दिया था, तो इसको चलते हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका है, बिल्कुल सही हालत में चल रहा है और इसका सक्शन प्रेशर इस वक्त है 7 PSI और नॉर्मल चिल्ड कर रहा है पानी को, पानी काफ़ी ठंडा हो चुका है एक घंटे में और नॉर्मल कंडीशन में ये चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे इसका काम किया गया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि इस वक्त मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, दूसरा बंदा नहीं है जो वीडियो बना सके, मुझे खुद ही वीडियो बनानी है। तो ब्रेजिंग के वक्त मैं फुल वीडियो ब्रेजिंग की नहीं बना सका, क्योंकि कोई बंदा है नहीं, तो ख़ुद ब्रेजिंग करे और फिर वीडियो कैसे बनाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई सेटअप है कैमरा वगैरह का। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।